नमस्कार दोस्तों, संभव क्लास सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता जिनकी कहानी बड़ी रोचक शानदार कहानी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जो राजस्थान में नहीं, उनका नाम हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे तो हर गांव में वो पूजे जाते हैं। आज हम बात करेंगे रूपनाथ जी की, जिनको झरड़ा जी बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश में जिनको बालकनाथ जी कहते हैं, उनकी कहानी सुनेंगे। देखो, सबसे पहले हम इनके दर्शन करते हैं कि इनकी तस्वीर आपके सामने है। ये है झरड़ा जी, बालकनाथ जी या रूपनाथ जी। आज की कहानी में इन्हीं की चर्चा करेंगे। नमन कर लो, प्रणाम कर लो और इनकी कहानी सुनने के लिए हो जाओ तैयार। तो कहानी में देखो जो है महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि आप सबको मैंने कहानी सुनाई थी बाबूजी की। कहानी में हमने पढ़े थे कि बाबूजी की जब शादी हो रही थी उसी समय बीच में तीन फेरे ही हुए थे और उनकी जो पत्नी थी फूल कंवर या सुप्यार कंवर जिसको बोलते हैं, उनके तीन फेरे हुए थे और उसके बाद में उनके बहनोई, उनके बाबूजी की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था पेमा करके एक बहन थी। तो उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। पेमल एक बहन थी उनकी और इसकी शादी हो रखी थी। ये मैंने आपको बताया था, इनकी शादी जो है वो जाइल में एक शासक हुआ करते थे जिंदराव खींची के साथ इनकी शादी हो रखी थी। ये कहानी आपने मैंने जब आपको पढ़ाया था बाबूजी तो उनकी कहानी में सुना था। जब तीन फेरे हो रहे थे उसी समय देवलचारण की गायें लूट कर ले गया जिंदराव खींची और उससे युद्ध करते हुए जो बाबूजी थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये कहानी हमने सुनी थी बाबूजी की कहानी में। अब देखो, उस समय जब बाबूजी शहीद हुए थे तो उनके साथ एक उनके भाई और शहीद हुए थे जिनका नाम था बूढ़ोजी। भाई का नाम था बूढ़ोजी तो वो भी शहीद हुए थे। बूढ़ोजी नाम करके एक भाई थे, वो भी बाबूजी के साथ शहीद हो गए थे। और कहते हैं कि जब बाबूजी थे उन्होंने तीन जो फेरे लिए थे उसके बाद में जो फूल कंवर या सुप्यार कंवर थी वो बाबूजी के साथ सती हो गई थी। और बूढ़ोजी के साथ बूढ़ोजी की पत्नी का नाम था, बूढ़ोजी की जो पत्नी थी उनका नाम था केसर कंवर थी। अब वो भी सती होने के लिए तैयार हो गई। केसर कंवर ने कहा कि मैं भी सती होऊंगी क्योंकि बूढ़ोजी की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, जिंदराव खींची वाले युद्ध में। लेकिन उस समय जो केसर कंवर थी उसके पेट में एक 7 महीने का बच्चा था और राजस्थान में ये परिपाटी थी जब भी कोई महिला सती होती थी तो वो महिला सती नहीं हो सकती थी जो प्रेग्नेंट होती थी। अब केसर कंवर सती नहीं हो सकती थी तो कहते हैं कि केसर कंवर ने अपना पेट चीर कर एक बच्चे को पहले ही पैदा कर दिया था और वो जो बच्चा हुआ था उसको बोलते हैं झरड़ा जी। इसीलिए कहते हैं कि झरड़ा जी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना पेट फाड़ के झड़का के निकाला था बाहर और इसीलिए उनका नाम हो गया झरड़ा जी। ये जो झरड़ा जी थे उसके बाद में केसर कंवर सती हो गई, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। मैं बता रहा था बाबूजी और अब जो बचा आदमी था जिंदराव खींची। ये झरड़ा जी थोड़े से बड़े हुए, 10-12 साल के बड़े हुए, समझदार हो गए तो उनके मन में एक ही थी, जिंदराव खींची क्या लगते थे उनके, फूफा जी लगते थे, कि मैं कब बदला लूं, इस फूफा का इलाज करना पड़ेगा मुझे। जिंदराव खींची उस समय जिंदा था और जिंदराव खींची को मारने का प्रण कर लिया था झरड़ा जी ने। अब झरड़ा कहते हैं कि झरड़ा है एक राजस्थान में लोकोक्ति भी है कि झरड़ा पाबू से भी करड़ा। झरड़ा जो थे वो पाबू से भी करड़ा था आदमी, दृढ़ निश्चय वाला था कि मुझे मेरे फूफा का इलाज करना है। फूफा कौन था, जिंदराव खींची। झरड़ा बाद में थोड़े दिनों बाद में नाथ संप्रदाय में आ गए और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ से दीक्षा ले ली और उनका नाम हो गया रूपनाथ। रूपनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और जैल के आसपास उन्होंने एक तालाब में तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बीकानेर में भी उन्होंने तपस्या की। बीकानेर में एक जगह पड़ती है सिंबुधड़ा, जहां इनका मंदिर बना हुआ है, सिंबुधड़ा बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ, वहां उन्होंने तपस्या की। और इनकी जो बुआ जी थी, मैं बात कर रहा था पेमल, वो भी चाहती थी इस जिंदराव खींची से, अपने पति से परेशान थी कि ये बड़ा दुष्ट आदमी है, मेरे भाई दोनों भाइयों को मार चुका है, तो ये भी इसके पक्ष में थी। और उसके बाद में इन झरड़ा जी या रूपनाथ ने है जिंदराव खींची का वध कर दिया था। तो जो बाबूजी की कहानी थी वो उस कहानी को
वापस पूरा करने का काम किया वो थे झरडाजी और झरडाजी या रूपनाथ। और उसके बाद में जिंद्राव खिंची की हत्या करने के बाद में रूपनाथ चले गए हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने घोर तपस्या की और वो वहां जनजन के प्रिय हो गए और एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था बालकनाथ। आज भी आप देखोगे तो वहां जैसे राजस्थान में बालाजी की पूजा होती है घर घर में, बालकनाथ की पूजा हिमाचल प्रदेश में होती है, एक एक व्यक्ति बालकनाथ को जानता है, लेकिन राजस्थान में झरड़ा जी की पूजा, रूपनाथ जी की पूजा, जो मंदिर है वो बाबूजी के साथ में बड़े होते हैं और उनके बहुत सारे गीत आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये थे राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनकी कहानी अजीब थी। पहले सिजेरियन बेबी कह सकते हो आप, पेड़ चीर के निकले थे और उसके बाद में छोटी सी उम्र में अपने फूफा जी का वध किया और फूफा जी को क्या वो दुष्ट आदमी जाहिल के जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, उनके चाचा की हत्या की थी और उस हत्या का बदला एक लोक देवता ने लिया, वो थे झरड़ा जी। तो ये कहानी थी झरड़ा जी की। झरड़ा जी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे। एक नए लोक देवता की कहानी के साथ जल्द हाजिर होऊंगा जिसमें किसी और लोक देवता का जिक्र हम पढ़ेंगे जिनकी शौर्यपूर्ण कहानियां राजस्थान के कण कण में व्याप्त है, उन्हीं कहानियों के साथ समझेंगे लोक देवताओं का परिचय। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।